नमस्कार, आइलैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 19 में यहाँ के काउंसलर सर है फैक्ट्री वेल ने एक प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसका ये प्रोग्राम साउथ इंडियन ज़्यादातर मानते हैं इसको। पोंगल से पहले जो पोंगल से टाइम में मनाया जाता है, ये यहाँ का काउंसलर है फैक्ट्री वेल सर, यहाँ में आज एक रंगोली का प्रोग्राम आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के माननीय सांसद जी श्री कुलदीप राय शर्मा को इन्वाइट किया गया है। कुलदीप राय शर्मा भी आ रहे हैं, उनके बाद में ये जो प्रोग्राम है चालू हो जाएगा। आप देखिए रंगोली का कंपटीशन शुरू हो चुका है, काफ़ी सारे महिला बच्चे लोग ने भाग लिए हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह के, और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे आगे तक।
14 तारीख को पूरी जनवरी को पोंगल का पर्व है, और ये पोंगल साउथ इंडिया में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो मैं ये सोचा कि हमारे भीतर में जो माँ बहनें हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, जो घर में अपना रहते हैं, उनको अपना टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि उन्हें एक बार उनके लिए एक हम कंपटीशन रखें। कोशिश ये करें कि जितनी भी हमारी लेडीज हैं हर कोई को घर से बाहर निकालें, उनको एक मौका दे कि भाई अपना टैलेंट को शो करो। और जैसे रंगोली एक रंग बिरंगा चीज़ है, अलग अलग कलर, अलग अलग शेड्स, जो बेसिकली कलर से खुशी का प्रतीक है, तो हम सबके जीवन में उसी तरह खुशी आए, लोग अपना हुनर जो भी उनके दिल में है जो हुनर को वो दिखा पाए और समाज के अंदर में अपना एक पहचान बना पाए, ताकि घर से बाहर निकले भी और इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं समाज के अंदर में बाकी लोगों से मिलजुल के एक कम्युनिटी बेसिकली एक फेस्टिवल के तौर पे, ये सोच के साथ ही मैंने एक कोशिश किया कि इस तरह का एक कंपटीशन रखे। फिर मैं हमारे जो काउंसिलर है रतन जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सुखी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, तनसीलन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इसके पीछे बहुत मेहनत किया और आज इतना अच्छा एक प्रोग्राम, मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो नीचे रोड से लेकर यहाँ तक शायद आप लोगों ने इसको वीडियो कवरिंग किया है बहुत अच्छी तरीके से, और लोगों के अंदर में चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बच्चे हो, हर तरह का लेडीज उसमें इन्वॉल्व है और बड़ा अच्छी तरीके से वो अपना हुनर को डिस्प्ले कर। थैंक यू। बहुत सारी जगह हम लोगों ने रखा है, आज पहला दिन है, 7 तारीख पहला दिन है, तो यहाँ से लेके हम लोग लगातार 13 को पोंगल है, तो 15 को पोंगल है, तो 13 तक हम लोग ये हर अलग अलग वार्ड्स में अलग अलग जगह उसको ऑर्गेनाइज किया है। और 14 को एक बड़ा प्रोग्राम है वो जोता स्कूल ग्राउंड में कल्चर प्रोग्राम है पोंगल के। सर इसका बारे में आप जैसा आईलैंड द्वीपवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं, पोंगल का त्यौहार किस तरह मनाया जाए? पोंगल तो देखिए पोंगल तो खुशी का त्यौहार है, साउथ इंडिया में लोग तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पोंगल है, संक्रांति है, लोहरी है, तो हर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से लोग इसको मनाते हैं। और हम लोग आइलैंड्स के अंदर में तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, अगर पोंगल देखेंगे तो सारे साउथ इंडिया पोंगल मनाते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें आप तो संक्रांति लोग नहाने जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, वहाँ पर खाते हैं, तो ये अलग अलग जो देश के रीजन है तो वो त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं। और बहुत अच्छा ये बात है कि हर कोई बहुत शांति के साथ प्यार मोहब्बत के साथ ये त्यौहार को मनाते हैं और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है। हम जानते हैं यहाँ के वार्ड काउंसिलर रतिवेल जी से यहाँ का इनका प्रोग्राम कराने का क्या मकसद था, आइलैंड को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, जैसे कि आपको पता है आने वाले 15 तारीख को हमारा फैमिली पोंगल का पर्व है, पोंगल के अवसर पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से हमारे आइलैंडर्स के लिए एक तोहफा है कि हम इस साल के पोंगल को काफ़ी धूमधाम से मनाएं। पोंगल और मकर संक्रांति के त्यौहार के अवसर पर हमने बोला कि पूरा आइलैंडर्स को एक रंगोली कॉम्पिटिशन करवाएंगे, इसके अंतर्गत आज पहला दिन था जो कि हमारे वार्ड नंबर 19 में पत्रगढ़ एरिया में आज रंगोली कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। इसमें नियर अबाउट 150 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किए थे। इसी के साथ इसके बाद में पात्रापुर जो वार्ड नंबर 20 और 19 में भी चल रहा है, ये हम लोग फिनिश करके वहाँ पर जाएंगे। ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये मकसद है कि सब लोग यहाँ के सारे डिस्क्रिमिनेशन को भूल कर एकजुट हो, एक साथ रहें और हमारे सारे फेस्टिवल को अच्छी तरह से मनाएं। इसमें ये 1 वीक का सेलिब्रेशन रहेगा जिसके अंतर्गत आज पहला दिन था, 7 तारीख के बाद से फिर कल परसों हर कल 10 तारीख को शादीपुर में भी होने को है, कल है हम लोग पात्रापुर में होने के, उसके बाद 13 तारीख को हमारा जो पातू बस्ती पार्किंग है PDMC है उसमें बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ के महिलाएं नियर अबाउट 500 महिला एक जगह में कम्युनिटी पोंगल बनाएंगे, एक जगह जुड़ेंगे और पोंगल बनाएंगे, उसको अच्छा धूमधाम से वहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद 14 तारीख को आने वाले 14 तारीख संडे को पातू बस्ती जो स्कूल ग्राउंड है वहाँ पर हम एक कल्चरल प्रोग्राम करवा रहे हैं, उसके अंतर्गत जैसे कि चेन्नई से तमिलनाडु से कुछ स्टार्स आ रहे हैं, कोई काफ़ी फेमस हैं जो टेलीविजन एक्टर्स की है, फिल्म एक्टर्स भी हमें 3 जन आ रहे हैं, मधुरई मुत्तु आप सुनेंगे बहुत ही फेमस है, वो हमारे MP सर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं हमारे आइलैंडर को। उनका एक मकसद है कि इस साल काफ़ी धूमधाम से नया साल 2024 पोंगल और मकर संक्रांति सभी लोग मिलजुल के मनाए। हमारा ये कहने का ये मतलब भी है कि जब से काउंसिलर आप बनने के बाद से फर्स्ट टाइम ही अंडमान आइलैंड में करा रहे हैं पोंगल का काउंसिलर, नहीं इससे पहले भी काउंसिलर करा रहे हैं? पहले भी जो इससे पहले काउंसिल थे, इससे पहले हम जब
ये मेरा सेकेंड ईयर हम बन के, तो फर्स्ट से पिछला साल भी हम लोग करवाए थे लेकिन इतना धूमधाम से नहीं बनवाए थे। हमको एमपी सर हमको बुला के बोले थे पिछला बार आप लोग कर रहे छोटा सा प्रोग्राम, तो इस बार ये आपका वार्ड नहीं सारा वार्ड में होना चाहिए, हमारे सभी आइलैंडर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारा महिलाएं घर में खाना बनाती है, घर में काम करती है, तो उनको ये सब का अवसर हाउस वाइफ है, उनको ये सब कॉम्पिटिशन में भाग लेने बाहर लेके आना, तो एम पी सर बोले थे इसके लिए हम लोग धूमधाम से इस बार थोड़ा बड़ा तरीके से करवा रहे हैं कि वन वीक सेलिब्रेट। पिछला बार हम लोग दो दिन करवाए थे, नियर अबाउट 100-150 लेडीज उसमें पार्टिसिपेट किए, लेकिन इस साल जो है अभी तक डिफरेंट वार्ड्स और डिफरेंट एरिया से नियर अबाउट 2000 लेडीज अब तक नाम दिए, नियर अबाउट 2000 महिलाएं हमने नाम दिए हैं पार्टिसिपेंट। आज इसमें 150 यहाँ हो गए, वहाँ नहीं है, आज ही एक दिन में नियर अबाउट 300 महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एम पी सर का सोच है, एम पी सर का आइडिया है कि सब काफ़ी धूमधाम से बहुत बड़े तरीके से करवाएं। ये तो आप लोग का काफ़ी अच्छा एक काम किया, क्योंकि ना आज तक आदमी यही सोचता था जो महिला है जो हाउस वाइफ है उनको कुछ जानता नहीं, आज वो अपना हुनर जो दिखाया जो हिसाब का दिखाया इससे ये संदेश जाता हमारा हाईलैंड को भी, हमारे देश में भी आईलैंड में सब जा रहा है कि हाउस वाइफ भी काफ़ी तरह का कलाकारी है। सही बात है, देखिए आप ये देखेंगे एक रंगोली आप लोग देखिए इसमें, आप देखिए काफ़ी लोग इसमें थीम भी था, कुछ लोग बनाए सेव अर्थ सेव वाटर, उनके रंगोली छोटा सा रंगोली के अंदर में कुछ मैसेज भी दे रहे हैं सोसाइटी को कि देखिए आप पानी बचाना चाहिए, फार्मिंग के बारे में कुछ रंगोली से आप देखेंगे तो उनका सोच देखिए घर के अंदर नहीं बाहर निकलते हो तो हमको भी मालूम होता है यार इनका सोच इतना बहुत आगे तक, तो इसके लिए मैं हमारे एम पी सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। அன்பு தமிழ்ச்சந்தங்கள் பத்திரக்கட்டா நிர்வாகம், அன்பு தமிழ்ச்சந்தங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் மற்றும் 2024 புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களும், நம்முடைய தமிழர் திருநாளான தைப்பிங்கிற திருநாள் வாழ்த்துக்களும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குதிப்பாய் சர்மா அவர்களின் சார்பாகவும் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் சார்பாகவும் உங்களுடைய வார்டு நம்பர் 19 கவுன்சிலர் திரு வெற்றிவேலு சார்பாகவும் வார்டு நம்பர் 10 மங்கையர் கல்சி அவர்களுடைய சார்பாகவும் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் மற்றும் பொங்கல் விழா வாழ்த்துக்கள். இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு 10 நிமிடம் தான், அதிகமாக நடக்காது, பத்திரக்கட்டாவை சேர்ந்த அன்பு சகோதரிகள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்துவார்கள். அஃப்தாப் பாபு, அன்பு சகோதரர் காலேஜ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குதிப்பாய் சர்மா அவர்களுக்கு முன்னாடி அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவார். அன்பு சகோதரர் ராஜா அவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு முன்னாடி அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவார். எதிர்பார்க்கவே இல்லை, இவ்வளவு பேர் இந்த சாலையில என்ன அழகழகான குழந்தைகள்
आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे दीपक के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को नमस्ते करना चाहूंगा। उसके साथ हमारे वार्ड नंबर 10 के काउंसलर श्री मंगेकर सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले यहाँ आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। लास्ट ईयर भी हमने इसको छोटा लेवल में किए थे, कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। पिछला महीना मेरा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर के साथ में एक जगह हम एक मंदिर में पूजा में गए, तो उस टाइम भैया मेरे को बुला के बोले कि बेटे इस बार पोंगल का प्रोग्राम पिछला बार आपका वार्ड में हुआ, ये आज इस बार पूरा आइलैंड में होना, पूरा पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर में होना, उसके लिए आपको अरेंज करो। तो उसके हिसाब से हम लोग भैया बोले कि हर वार्ड में रंगोली कंपटीशन होना चाहिए। उसके साथ आपको पता 7 तारीख है, आज का दिन हमारा वार्ड में ये शुरू हुआ है। उसके बाद कल 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख कंटिन्यू ये हर वार्ड में, वार्ड नंबर 19, 20, 24, वार्ड नंबर 10, 11, 12 हर वार्ड में होगा। मोर आपको नहीं पता, आज हम लोग 136 दिन हमने रंगोली बनाए, अभी तक नियर अबाउट 2000 महिलाएं इसमें नाम दिए, नियर अबाउट 2000 महिलाएं रंगोली कॉम्पिटिशन के लिए। उसके बाद 12 तारीख तक ये रंगोली कॉम्पिटिशन चलेगा। उसके बाद 13 तारीख तक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कुलदीप राय शर्मा जी है, उनके द्वारा हमारे जो पार्किंग है बातों बस्ती पार्किंग बीएमसी का, उसमें कम्युनिटी पोंगल बनाएंगे। कम्युनिटी पोंगल बन नियर अबाउट 500 महिला वहाँ एक जगह पर मौजूद रहेंगे और वहाँ पर पोंगल बनाएंगे। उसके बाद 14 तारीख को, आने वाले 14 तारीख को बातों बस्ती जो स्कूल ग्राउंड है उसमें बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट शो होगा, जिसमें चेन्नई से हमारे जो फिल्म स्टार्स है, विजय टीवी के स्टार्स आप लोग जानते होंगे, मधुरई मुत्तू काफी जगह ऐड किए सोशल मीडिया में बहुत, या उसमें भी हमारे उनको यहाँ पे लेके आने के लिए कुलदीप राय शर्मा एमपी सर वहाँ से कॉन्टेक्ट करके बात करवाए, बात करके उनसे हम लोग डेट लिए। तो 14 तारीख को शाम को 5 बजे हमारे जो बातों बस्ती ग्राउंड पे इसका ये शो रहेगा 3 घंटा का। उससे पहले और आपको एक खुशखबर मैं देना चाहता हूँ, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी का कहना था कि देखो कॉम्पिटिशन कराना कोई बड़ा बात नहीं है, हमारे महिलाएं घर से बाहर आकर इसको पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितने भी पार्टिसिपेंट रहेंगे इसमें सबको प्राइज मिलेगा, ऐसा नहीं कि खाली विनर को प्राइज मिलेगा, सबको प्राइज मिलेगा। सारा प्राइज का अरेंजमेंट जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से दिया जा रहा है, यहाँ पर खाली नहीं इस वार्ड पर ही पूरे पोर्ट ब्लेयर सिटी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारा प्राइज अरेंजमेंट सब कुछ हम लोग बस उनके सिपाही है, हम लोग बस काम करते हैं, आइडिया सोच उनका है, बस हम लोग उसको सामने लेके जाते हैं। तो उसके बाद 15th को भी कुछ हम यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम लगाए कराएंगे। तो ये सारा प्रोग्राम को सफल कराने के लिए मैं आप एक बार फिर से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक खुशखबरी है, इससे पहले हम लोग मैं जब काउंसलर बना था तो आपको पता है कि यहीं पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी को लेकर के आया था और यहाँ पर एक लैंड दिखाए थे हमने, सामने वाला लैंड है 2500 स्क्वायर मीटर, उसमें हमें बोले अंकल साहब हमें थे बोले कि हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं उनको वॉकिंग करने के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, बाजार के जितने बच्चे हैं उनके लिए हैडो एरिया के लिए हैडो में जू है, मरीना पार्क है, गांधी पार्क है, जोगर्स पार्क है, हसीनाबाद बुशाबाद के बच्चों लोग जाते हैं कार्बिन में, लेकिन हमारे यहाँ के आसपास के बच्चों के लिए एक पार्क, छोटा सा पार्क भी नहीं है, और हमारे बुजुर्ग लोग शाम के टाइम में घर में ही बैठे रहते हैं, उनके वॉकिंग करने के लिए भी जगह नहीं है। उसके बाद मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी हमें लेके गए, अभी हमारा ये जो लैंड है 2500 स्क्वायर मीटर का पत्ता जो है रिकॉर्ड हम लोग को मिल गया और लैंड सेटअप आउट होके अभी फोर्थ फ्लोर म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर में जगह आ गया है। उसके बाद सर से बात की, उसके उसके एस्टीमेट भी बनाए हमारे जे इंजीनियरिंग के एस्टीमेट भी बना दिए, बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मार्च अप्रैल के अंदर में ये पार्क का काम शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पोंगल हम लोग जो प्रोग्राम है उसी पार्क में बनाएंगे, ये आपके सामने मैं ये वादा देना चाहता हूँ, उसी पार्क में होगा, इसके लिए भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ हमारा वार्ड नंबर 19 के लिए, सिर्फ वार्ड नंबर 19 के लिए जिस हम 1.5 साल के पीरियड में हमारे एम पी सर ने नियर अबाउट 50 लाख रुपये अपना पेंशन को दिया है, 50 लाख रुपये।
ये वेजिटेबल मार्केट है, ये वेजिटेबल मार्केट में 240 लोग दुकान रखे हैं, 240 परिवार उसमें अपना रोजगार बनाता है। तो वो अभी मार्केट भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी के फंड के द्वारा काम शुरू हो गया, काम चालू हो, काम चल रहा है। उसके बाद जो युवा है, हमारे युवाओं के लिए जो गैलरी बातों बस्ती विलेज ग्राउंड है उसमें एक गैलरी बनाने के लिए भी 22 लाख का उन्होंने योगदान दिया है। तो सोचिए, एक साल के अंदर हम काउंसिलर बन के हमको 50 लाख मिला है, तो आने वाला 5 साल में, एक साल में 50 दिन से हम लोग 2.5 करोड़ का काम वार्ड में कर चलेगा, तो हम लोग वार्ड और भी डेवलप होएगा। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आज आप लोग सब ये पोंगल पार्टिसिपेट किए, इसलिए आप लोग का भी धन्यवाद चाहता हूँ। ये एक हफ्ता आप लोग का बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट होगा, और यहाँ पे जो टीचर जो आए हुए हैं इसको जो जजमेंट करने के लिए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, वणक्कम। எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணீங்களா? கோரப்பட்டிய ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சா? நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணோம், ரொம்ப அழகா இருந்தது, எல்லா கோலமும் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எங்க பையன் வந்து இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருந்ததுன்னு சொன்னாரு, ஒவ்வொன்றையும் ரசிச்சு பார்த்தாரு. நம்ம தீபுடைய சன்செட், சாரி எனக்கு அதுல தமிழ் சொல்ல தெரியாது, அதனால ரொம்ப அழகழகான கோலங்கள் போட்டிருந்தீங்க, ரொம்ப மழை நிறைவா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம ரொம்ப அருமையா இந்த இடத்துல நடத்தி தந்திருக்காரு வெற்றி பையா, சக்தி பையா, பை எல்லாருமே. நம்ம இந்த பையா வந்து எல்லா லேடிஸும் வீட்டுல இருந்து வெளியில வரணும், நிறைய விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு எப்பவுமே யோசிப்பாரு. அவர் வந்து நம்ம கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டேட் யூனியன் தரப்புல நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறாரு லேடிஸுங்களுக்கு. ஏன்னா நம்ம வீட்லயே இருக்கிறோம், ஏதாச்சும் வேலை செய்யணும், நம்ம காலில் நிக்கணும், நம்ம வெளியில வரணும். நான் வந்து பையா கிட்ட இன்னொரு வேண்டுதல் வச்சுக்கிறேன், இந்த ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் யூனியன் ஸ்டேட் யூனியன் என்னன்னா ட்ரைனிங் கிளாஸ் வைக்கணும். ட்ரைனிங் கிளாஸ் வந்து லேடிஸுங்களுக்கு அவ்வளவு இதா கிடையாதுங்க, ரொம்ப கம்மியா இருக்குது. டூ வீலர், ஃபோர் வீலர் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பையா கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் ஹிந்தியில் அவர்கிட்ட சொல்லிடுறேன் என்ன கேட்டேன்னு. அதனால இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள், டைலரிங், டெய்லரிங், பியூட்டிஷியன் இதெல்லாம் பண்ண வைக்கிறாங்க. அதுல நீங்களும் எல்லாரும் கிளாஸ்ல போகலாம், அந்த கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க. எல்லாருமே முன்னாடி வரணும், அவங்க அவங்க காலில் நிக்கணும், நிறைய கடைகள் வைக்கலாம், நிறைய பேருக்கு வேலைகள் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை ரொம்ப நல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. எல்லா வார்டுக்கும் வாங்க, நீங்க எல்லாருமே வாங்க, வந்து எல்லாரும் கலந்துக்கங்க. நன்றி, வணக்கம். அன்போடு அழைக்கிறேன் ராஜவர்களுக்கு பொன்னாடை மூர்த்தி மரியாதை செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜெயலம் आपके इस वार्ड के बहुत ही डायनेमिक काउंसलर मिट्टी भाई, उसके छोटे भाई शक्ति जी जो बहुत ही एक्टिव है, जो हमेशा स्टील के पीछे काम करते हैं, हमारे बीच उपस्थित वार्ड नंबर 10 की काउंसलर मैडम, हमारे बहुत ही एक टैलेंटेड लीडर सलून जी, एक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर है उची मैडम, मंच में बैठे सभी मेरे बुजुर्गों, देखिए आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं आया नीचे से और इतना एक रोड पूरे के पूरे रोड एक तरह से लॉक हो गया आपका जो रंगोली कंपटीशन को देख के, और जो उसके जो थीम जो देखा, मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ कि इस गांव के अंदर में भी इतने हुनर और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, लेडीज हैं, किसी ने सेफ गर्ल चाइल्ड के ऊपर में रंगोली बनाया, किसी ने सेफ वाटर के ऊपर में रंगोली बनाया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये छोटा मोटा चीज नहीं है, इसका मतलब ये है कि गांव के अंदर में जो हमारा स्पेशली जो पत्रगड्डा विलेज है, इसके अंदर में जो हमारे गरीब लोग जो रहते हैं, इनके बच्चों के अंदर, लेडीज के अंदर में बहुत टैलेंट है, हम लोगों को इस टैलेंट को समझना है, परखना है। ये जो सोच, इसी सोच के साथ मैंने ये पृथ्वी जी को कहा कि इस तरह का आप जो रंगोली कंपटीशन है इसको ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि मैं चाहता था जो हमारी माँ बहन घर पे बैठे हैं,
जिनके अंदर हुनर है, टैलेंट है, उनको अपना टैलेंट दिखाने का जगह नहीं मिलता। वो अपने घर के अंदर में ही अपना टैलेंट को अपने दिल में रख के खत्म कर देते हैं। मेरा ये कोशिश है कि हर किसी को इसमें भागीदारी करने का मौका मिले, हर कोई अपना टैलेंट को शो करे और वो पोंगल से अच्छा अवसर मैं नहीं समझता कुछ हमको मिलेगा, क्योंकि पोंगल एक बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल है जिसे हर कोई खासतौर पर जो साउथ इंडिया के अंदर में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा एक मौका है, तो इस पोंगल के अवसर पर हम लोग सब मिल के एक कम्युनिटी फेस्टिवल के तौर पे इसको हम लोग मनाएं। और आप लोगों ने इतनी बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी किया, इतना पार्टिसिपेट हमको मुझे बताया गया कि 137 लेडीज और बच्चों ने आज यह रंगोली कंपटीशन में भाग लिया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही एक शॉर्ट टाइम के अंदर में आप लोगों ने इतना बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, पार्टिसिपेट किया, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके का और भी अच्छा अच्छा प्रोग्राम हम लोग करेंगे ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके और आप सबको कुछ ना कुछ खुशी का एक साधन, एंटरटेनमेंट का एक साधन मिल सके और अपना हुनर आप दिखा सके। आज के प्रोग्राम के जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन सबसे मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।